अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा ओवर हब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जो टर्म्स हैं आज की टर्म है उनके बारे में फार्मेसी स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आपके लिए लेकर गया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन जब वो दवाई लिखता है तो उस दवाई के सामने कुछ टर्म का यूज करता है। तो फ्रेंड, उन्हीं टर्म के बारे में जानेंगे कि वो टर्म क्या क्या होती है, कैसे कैसे क्या क्या उनका मीनिंग्स होता है। तो फ्रेंड, इस चीज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, लास्ट तक ध्यान से सुने। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, जब देखा होगा तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारा, उसकी जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उस पर क्या होता है, एक टर्म लिखी होती है आरएक्स। आरएक्स टर्म लिखी होती है, तो उसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग होता है टूटे, मतलब कि जो ड्रग आपको हमारे डॉक्टर क्या करें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको आप ले सकते हो, उसको आप ले सकते हो, उस रीजन का नाम होता है टूटे होता है। तो ये मीनिंग होता है हमारे आरएक्स टर्म का। सेकंड बात करते हैं, जब आपने कोई जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी तो उसके सामने आपने देखा होगा कि ओडी लिखा होता है, कहीं पर बीडी लिखा होता है, तो ओडी का मतलब होता है वंस पर डे, मतलब वो आपको दिन में एक बार लेनी, किसी भी टाइम ले सकते हैं आप, दिन में आपको एक बार लेनी होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, बात करते हैं बीडी, यानी इसका मतलब होता है ट्वाइस पर डे, यानी आपको दिन में दो बार लेनी है, सुबह में लेनी है या शाम में लेनी है, तो उसका मतलब होता है कि दिन में दो बार लेनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट का टीडी की, बात करते हो टीडी का मतलब होता है थ्राइस का डे, मतलब दिन में तीन बार लेनी है आपको, सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, फिर शाम लेनी है। तो ये बात होती है हमारी टीडी की बात। नेक्स्ट बात करते हैं एसओएस। एसओएस का मतलब होता है कि जब आपको जरूरत पड़े तभी लेनी है उसको। जैसे कि बात करते हैं कि डॉक्टर ने आपको लिखा कि भाई हमें पैरासिटामोल लेनी है एसओएस के पास के सामने, तो एसओएस का मतलब ये है कि पैरासिटामोल जब बुखार आएगा आपको तभी लेनी है, तब फीवर आएगा उसी टाइम लेनी है, आपको उस टाइम उसकी नीड है, जरूरत है, उस टाइम आपको लेनी है खाने से पहले लेनी है आपको। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो खाने से पहले ली जाती है, कुछ खाने के बाद ली जाती है, तो जहां पर आपको देखा आपने लिखा होगा कि एसी लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि आपको खा लेनी है, वो खाने के बाद भी लेनी है, यानी खाने से पहले लेनी है। फिर बात करते हैं टैबलेट। अगर आपने यहाँ जैसे टीबी लिखा दिखा हो, जब डॉक्टर को टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है तो उसके सामने वो टीबी लिख देता है, ए बी लिखता है, तो पुराना लिख के उसको टी ए बी लिखता है, जिसका मतलब होता है टैबलेट से, मतलब क्या है जो आपको ड्रग दी गई है, प्रेफर की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, किसकी फॉर्म है, वो टैबलेट की फॉर्म में है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की टर्म, बात करते हैं नेक्स्ट में, आपने देखा होगी सी ए पी लिखा होगा कहीं पर, तो इसका मतलब है जो आपको टैबलेट दी गई है, आपको जो कैप्सूल दिया गया है उसका मतलब क्या है, कैप्सूल की फॉर्म है आपको जो प्रेफर किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में, अगर ए एम पी लिखा होगा तो ए एम पी का मतलब होता है एल्ब्यूल्स होता है, जिसमें क्या होता है एक सिंगल डोज होती है हमारी, इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है हमारा, क्या इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है हमारा एम, मतलब सिंगल डोज होती है, जिसमें हमारी जो एक टाइम में एक ही बार लगी उसको एम्पुल्स कहते हैं। जैसे आपने टीडी का इंजेक्शन देखा होगा तो क्या होता है एम्पुल फॉर्म में भी आता है और हमारा वाइल फॉर्म में भी आता है। तो जो हमारा एम्पुल्स होता है उसमें सिंगल डोज होती है हमारी, और जब हमारा वाइल होता है उसमें मोर देन वन डोज यानी मोर देन टू डोज होती है हमारी वाइल के अंदर। अब बात करते हैं फ्रेंड लास्ट टाइम हमारी जी टी टी के बारे में। जी टी टी का मीन्स होता है कि ड्रॉप होगी, क्योंकि ड्रॉप की फॉर्म में होगी, अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए भाई ये है तो उसके सामने लिखा है जी टी टी, उसका मतलब होगा ड्रॉप हो सकती है, वो आई ड्रॉप भी हो सकती है, कोई ईयर ड्रॉप हो सकती है, नजर ड्रॉप हो सकती है, तो सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रॉप होती है, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, वो ड्रॉप दी गई है आपको, यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमारे आज के लिए, आज के इस वीडियो में हमने बात की इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन टर्म को जानना बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए मैंने आज बात की आपके साथ इन टर्म के बारे में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ एक बार फिर से आपको ये अच्छी लगी होगी, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट। तो फ्रेंड्स, तब तक के आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।